स्वागत है जी तुहाडा सभनां दा हकीकत टीवी पंजाबी जे मैं हाँ वरिंदर। जिवें कि लगातार जो चोणां दे नतीजे ने वो आ रहे ने ते इस वेले साडे नाल गलबात लई मौजूद ने बलविंदर सिंह सेखों जो साबका DSP भी ने और हलका लुधियाना पछमी तो आजाद उम्मीदवार भी ने। सब तो पहला स्वागत तुहाडा स्वागत है सेखो साहब। धन्यवाद जी, बहुत बहुत सत श्री अकाल तुहाडे सारे श्रोतियां जी। जिस तरीके दे नाल रुझान देखण नूं मिल रहे ने लगातार सवेर तो जदों दीआं EVM मशीनां दीआं जिहड़ियां काउंटिंग शुरू हुई है तो जो रुझान है वह आम आदमी पार्टी वल जा रहा लगातार ते लगभग यह तय है कि आने वाले कुछ घंटियां दे विच जिहड़ी सरकार है वह आम आदमी पार्टी दे हुण दे आसार ने लगभग तय है। की कहना तुहाडा? देखो जी, जिस दिन वोटिंग कंप्लीट हुई सी ते मैं उस दिन कुछ मैसेज पाए सी अपने सोशल मीडिया जो मेरा है पेज वो देते जी। मैं लिखा सी कि जीते भावें कोई भी पंजाब हारिया हुई जो वोटिंग ट्रेंड तो लगता सी पर मैं अज वो जो है अपने उसनों दुरुस्त करना चाहना उस लिखे हुए हैं पंजाब बिल्कुल जितया है जी। पंजाब ने विखा दिता कि असीं जागे हुए हैं बेशक ये पिछले अंदोलन की देन हो कोई होर चीज़ा जी है जो समय के हाकमां ने सानू इन्ना कॉर्नर कर दिता इन्ना तबाह करद्या करद्या सानू उस कोने ले आए जिथे कि साढ़े को उस तो बाद कोई चारा ही बाकी नहीं बचा सी। तो जे इस बार भी असीं अपना जिहड़ा मैंडेट क्लीयर नहीं दिंदे सां तो फिर पंजाब के लोग सुते हुए तो मतलब जो भी लफ्ज़ वरते जा सकते किया जा सकता सी पर नहीं अज जो कि हुण इह ट्रेंड चल रहा है लगभग तुहाडी भाषा में है तुसीं कहना हुंदा मीडिया ने लगभग बड़ी गल खत्म है सरकार आपकी बन चुकी है पंजाब के लोगों ने बनाई है। पर ये मैं फिर बेनती करना चाहूँगा कि बहुते हुबण की लोड़ किसी भी नहीं है। आम आदमी पार्टी तो अलावा साढ़े कोई ऑप्शन ही नहीं सी। रवायती पार्टियां जिहड़ियां हैगियां उन्होंने पंजाब का जो बेड़ा गर्क कर दिता सी उहदे बारे कोई लफ्जा दे विच कहण दी लोड़ नहीं। मैं तो कई सालों तो कुरला के रौला पा रहे हैं तो हुण भी जदों जो भी मेरी तुसीं पछमी तो गल कीती है उत्थे परपज सीगा इलैक्शन लड़न का कि इन्हां लोकां नूं नैगेटिव फोर्सिस नूं हराउणा ना कि आप जितना। तो मैं अपील यही की थी मैं वोट नहीं मंगी सी अपने वास्ते मैं यह कहा कि इन्हों हराया जाए। हुण मतलब जे आप इत्थे वैस्ट इलाके की गल करिए हुण यह सिद्ध हो गया कि जे इस बंदे के खिलाफ मेरे वर्गा आदमी 12-15 दिन की वो कंपेन ना करता तो जिवें हुण भी कंपीटीशन ते चढ़िया हुंदा जे रिजल्ट जिहड़े हैगे आउण वाले है पर वो जित वाल नहीं हो सकते ते ए उन्नी हार वाल जा रहा है जिन्ना डैमेज इन मेरे वालों किया गया। किस बंदे दी गल कर रहे हो? भारत भूषण आशू दी जी। तो इस करके हुण लगता है कि मतलब ये स्टैप जिहड़ा सी बहुत चंगा लिया गया नहीं तो यह आदमी दोबारा जितने की पिछन में है सी। पर अदरवाइज आप गल पंजाब की कर रहे थे तो पंजाब के लोग बहुत वधाई दे हकदार है बहुत वधिया मैंडेट दिता है बिल्कुल क्लीयर सरकार बना के दी है इन्हों कोई बहाना नहीं होगा आने वाले समय में भी साढ़े को किसी चीज़ की कमी हैगी है जोड़े वादे किए हुए हैं उन्होंने हिसाब किताब लैन वास्ते साढ़े वर्गे लोग स्टार्टिंग चो हाजिर होवे असी बहुत लंबा समा इन्हों मौका नहीं देवे हूँ हालात यह नहीं होगा कि 4 सालों बाद तो क्वेश्चन किया जाऊगा। असी इन्हों बधाई दें असी कामना करते हैं कामयाब होने असी चाहते हैं कि ये केजरीवाल का जो बयान आया राघव चड्डे का भी ये प्रधानमंत्री के तौर पर 24 देखते हैं असी भी इस गल चंगा कहने कि ठीक है बने केजरीवाल पर पहला पंजाब का करके विखावे 2 सालों में पंजाब का करने वास्ते बहुत कुछ है तो जे प्रधानमंत्री बनना चाहते तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इन्हों मिले मैनू हुण तक इन्हों की नीयत इमानदारी जिहड़ा सीगा शक करता रहा अक्सर मैं अपनी पुरानी गल्लां विच पर मैं कुछ समय वास्ते अपने सिस्टम नूं स्लो करांगे जां विराम देवांगे कि ताकि असीं इन्हां नूं परफॉर्मेंस करन दा मौका देईए जी। वेखदे हां कि भगवंत मान जिहड़े हैगे आ उह किन्ने क कारगर ते कामयाब CM सिद्ध हुंदे आ ते इन्हां दा रिमोट कंट्रोल जिहड़ा हैगा किन्ना क उन्हां दे अपने हत्थ 'च रहते किन्ना क उन्हां दा पिछों चलूगा जिवें कि हुण तक दा सिस्टम चलदा रहा हुण तक दुवैती पार्टियां दा। तो उम्मीद और कामना करते हैं कि यह चंगे तरीके नाल डिगे टुटे टठे हुए पंजाब नूं जिहड़ा हैगा दोबारा लीह ते लैके आउण दी जे कोशिश करन तां डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया होया ते उम्मीद करते हैं पर जाग के करन इस नशे विच ना करन कि साडी बहुत वड्डी मैंडेट है उहदी कोई कीमत नहीं हुंदी गी जदों तुसीं उही काम छड्ड के जिहड़े कि दूजी दवैती पार्टियां करके गईआं जे उस पासे तुरांगे उही रेते बजरियां ते उही बिजलियां ते उही मतलब ट्रांसपोर्टां ते जे कब्जे करने हैं ते फिर तां जिहड़ा हैगा जवाब लैण वास्ते लोग एडवांस विच ही बैठे है। तो इस करके आम आदमी पार्टी का राह जिहड़ा हैगा ना सौखा नहीं है कंडिया भरिया है पर परमात्मा करे कि यह कामयाब होण ते आने समय में पंजाब जिहड़ा दुबारा अपना साह लैंदा दिखाई दे। जिस तरह पिछली बार भी जो 2017 चोणां होईआं सी ते और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा सीगा पंजाब दे 4 हफ्ते विच नशे असीं खत्म कर दांगे इन्हां ने जिहड़ियां इस बार एक नवा लफ्ज़ जिहड़ा इस्तेमाल किया गरंटियां वादियां की जगह केजरीवाल ने कहा असीं गरंटियां दित्तियां ने। सो जिहड़ियां जिस तरीके नाल गरंटियां दे रहे ने तुहानूं लगदा है कि पंजाब दे विच जिस तरह की तब्दीली या जो सुधार लियाना चाहुंदे हो
मतलब छेती वो सुधार जी इस पार्टी वालों लिया जाएगा? देखो जी लिया सुधार लिया जा सकता है, पर जिस तरह का ट्रेंड हूं तक सीगा ना तो आम आदमी पार्टी को पता सीगा कि एड्डी वड्डी बहुमत जी है पंजाब के लोग इन्होंने देंगे ना, सानू पंजाब के लोगों के ही एड्डा वड्डा यकीन से। मैं तो सच्ची गल्ल करन दी मेरी आदत है, तो उही कहने भी एड्डी वड्डा मैंडेट असी दे के असी अपने जागते होने का सबूत देवे। जो गेम इन्होंने खेडी है वो रवायती पार्टियां रलदी मिलती खेडी है, पर हूँ नहीं वो इन्हों को ऑप्शन हैगी, हूँ वो गेम नहीं खेडी जा सकती। हूँ असी इंडिपेंडेंट है, फुल फ्लैज सरकार होगी इन्हों को, जिस तरीके मर्जी चलाना चाहन चला सकेंगे। हूँ एक्सक्यूज नहीं मिलने, हूँ वो चीज़ा नहीं होनी है कि कोई दूसरी असी दिल्ली का चेहरा उखा के असी पंजाब च लेके आई, हूँ तो पंजाब ही इन्हों को सामने प्लेट पा के रखता पंजाब वाले ने। तो हूँ तक का जोड़ा रुझान इन्हों का रहा, जो पिछली भी एम एल ए बना के दते सी पंजाब ने, तो वह जरा जी कारगुजारी जी बिल्कुल तसली बख्श नहीं रही थी पिछले पांच सालों के। तो हूँ आप कहने कि हूँ तो खुली सरकार थोड़ी बना दी, यद बाद फिर कोई है ही नहीं। जे आप इस बार भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकते तो फिर तो मतलब ही नहीं कहन का। तो मैं बार बार लगता होंगे कि पंजाब में जी स्टेट की पार्टी है आने वाले समय से वह ही कामयाब होगी, पर असी उस तो पहला एक लास्ट ऑप्शन जी पंजाबी ने वरत के वेख ली है। तो जे सानू लगता है आने वाले दो चार छः महीनों में ये पार्टी भी जी है उन्होंने लीह से चलेगी, तो फिर असी पंजाब के लोग जोड़े है इन्ने जागे हुए हैं। कुछ लोग असी पहले ही इतने बहुत वर्क कर रहे हैं, तो असी पंजाब स्टेट की एक अहोजी पार्टी जी कि सारे रीजन में बिलोंग करती हो, जे कि महापंजाब साडा जरा जी हूँ असी अठा सत्तां स्टेटा में वंड लिया, ठीक है, उस सिस्टम नूं बिलोंग करदी एक पार्टी जिहड़ी हैगी है वो पंजाब चों क्रिएट होवे, ते फिर आने वाले समय में इन्हां नूं दसीए कि जिहड़े उत्तर भारत के लोग है पंजाबी है महापंजाब दे विच रहण वाले लोग है इन्हां दी जिहड़ी नस्ल वक्री है, ते उहदे सबूत असीं दे दित्ता है। आ जिहड़ी एड्डी वड्डी मैंडेट क्लीयर इन्हां दा दमन पाक साफ ना होण दे बावजूद भी एड्डा वड्डा अतबार जिहड़ा हैगा कीता है, तो इस करके बेशक बाय डिफॉल्ट है कि लोगों को ऑप्शन नहीं हैगी सी कोई, पर इस दे बावजूद ही जिहड़ा इह मैंडेट है बहुत वड्डा है, तो इन्हों बहुत सुहिरदता से सियाण बनाले से कम करके आने वाले समय पंजाब के लोगों के दिल जितने चाहिए असं तो यही कामनामा करते हैं। जिस तरह के तुम लुधियाना पछमी के उत्तों आजाद उम्मीदवार के तौर पर तुम चोण लड़ी है और जो इतों का हालात ने जो माहौल ने जो लोग ने तुम भी इन्हों समझा होना जाने होना की चाहते सी लोग किस ढंग के हालात या इस हल्के की चीज़ा जीडियां समझ आई हैं? देखो इस कंस्टीट्यूंसी क्वेश्चन की तो फिर ये वास्ते मेरा थोड़ा जहा वक्रा जवाब है। जो ट्रेंड है पंजाब का वो तो फिर हल्का वक्रा होकर चलिया, उत्थे ये है कि जो भारत भूषण आशू है जो कि सब तो इस कैबिनेट का सब तो भ्रिष्ट तो मतलब जिहड़ा भी कहा जा सके उन्ना माड़ा चेहरा सीगा, उसके बावजूद भी वो कंपीटिशन में है। तो इतों असी इस पढ़ी लिखी कंस्टीट्यूएंसी तो मतलब मैं बहुत थोड़ा निराशा भी होंगी है भी यह जो लोग इतने रेंदे हो फिर वो बंदा कंपीटिशन हो गए, जो कि सारे पंजाब के भी कितने नहीं है। मैं हूँ पहला भी कहा हूँ भी कहना जे मेरे वर्ग आदमी 15 दिन निकल के जलूस ना कटता लोगों के सामने की असलीत ना लेके आता तो इन्हें फिर जितना सगा, तो मैं निराशा हुई है। बेस्ट जी कंस्टीट्यूएंसी कारण की समझते पिछले भी ये लोग जिस ढंग रुझान है कि कारण ये कारण जी पढ़े लिखे लोग सुते हुए हैं। हूँ देखो मैं इतों ज्यादा उम्मीदवार लड़िया, इतने पुलिस लाइन है, इतने यूनीवर्सिटी है, ठीक है, घट्टो घट 10-12-15 हज़ार वोट जी ए है, तो मेरे अर्गे बंदे जो 500-400 वोट पैंती है तो फिर देखो कितने खड़े हैं। सो कॉल्ड पढ़े लिखे ने जी कंस्टीट्यूएंसी के जे मेरे अर्गे बंदे वोटा नोटा की गल करते थे, ठीक है, मैंने उम्मीद से कि इस बार नोटा की वोट कन्वर्ट होकर मेरे वाल आऊगी, बिल्कुल उही ट्रेंड रहा है। जो एक आजाद उम्मीदवार ना बिहेव करते हैं आम लोग मेरे ना उही किया गया, पर फिर भी मतलब मैं इन्ने समर्थ हो गया कि जी मेरी कंपेन सी जो मैं जी कन्फेशनल स्टेटमेंटा लोगों तक लैके गया जो यदा असल चेहरा लोगों ने विखाया वो यदि हार च बहुत वड्डा रीजन होया, पर लोग अजे सुते ही हुए खास तौर पर वैस्ट के। मैं पंजाब के लोगों की गल पहला कर चुका बहुत जागे हुए लोग से, पर वैस्ट के लोगों ने अपना रुझान निराशा भरया विखाया, नहीं तो यह बंदा कंपीटिशन आए इनू तक दिखाई नहीं देना चाहिए सर। हालांकि चेहरे दूजे भी वधिया नहीं है, आपका चेहरा जो लैके आई आप पार्टी कोई बहुत वधिया चेहरा नहीं है, आने वाले समय वेखांगे की कारगुजारी रहेगी, कोई कंपेन ही नहीं रहेगी। लोग तो यह भी कहते रहे हैं कि इस आशू ने मतलब उन्होंने भी मतलब सैटल किया होगा, तो वह जो चल रहा है रुझान कंपेन का वो दिखाई भी दिता सगा, तो प्लेट पै के कुछ चीज़ा किसी बंद के कर्म च लिखिया होंगे वो ठीक है इट्स ओके, पर जो रुझान रहा है इतों का वो मुताबिक यदा मतलब कंपीटिशन में आना ये साढ़े इलाके जो लोगों के वास्ते जो है ये कोई बहुत ही चंगी जी है हंगारा नहीं है इन्होंने वालों, तो आने वाले समय देखते हैं होर जगाने की कोशिश करा, पर जो पढ़िया लिखिया कंस्टीट्यूएंसियां के लोग भी इस तरह बिहेव करेंगे तो चंगा नहीं पंजाब के आने वाले समय है। समय समय से तुम बहुत सारे मुद्दे उजागर करते रहे हो मीडिया सामने आके, चाहे कारपोरेशन का मुद्दा या किसी भी सियासी बंदे का मुद्दा हैगा, तुसी एक तरीके अपने सियासत दे विच आ चुके हो तो भविख दे विच जिस तरीके दे नाल हुण आम आदमी पार्टी की सरकार बनन जा रही है तुहाडा रवैया किस ढंग का रहेगा?
ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਰਹਿਣੇ, ਉਹੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੱਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੈਠਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗਜਬ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਸ਼ੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਕਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਿਆਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੈਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅਫੀਸਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਬੰਦੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਰਗਤ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 60-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਖੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੋ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਆਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਆ ਹੁਣ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, 307 ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗੀ, ਜੇ ਆਸ਼ੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਚਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ 78 MLA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ 78-73 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਊਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਗੇ, ਯੋਗ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਯੋਗ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਵੱਈਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨਸਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਲਏ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਡੌਗ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਡੌਗ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਭੌਂਕਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਾਚ ਡੌਗ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੈ, ਕੋਈ
जिस तरह की आवाज इन्हों पसंद आऊगी वही आवाज कढ के इन्हों जगावे पर यह नहीं होगा कि जो हूँ तक चलता रहा पंजाब के उस तरह के धक्के या उस तरह का जो विहार अजे नवे बंदे भी करे तो इस करके आप पहले उम्मीद करते हैं क्यों उस गल करके पैना भी असी ये गलत करन तो असं फिर उन्होंने रोके असं कहना कामना करते हैं कि चंगा कर पंजाब को गवाउण वास्ते होर कुछ नहीं है तो बहुत देर बाद करवट ली है पंजाबियों ने पूरे का पूरा सफाई करके झाड़ू असल झाड़ू फेर के जो मांझ के रखते हैं मैनू आ प्रकाश सिंह बादल कैप्टन अमरिंदर सिंह सुखबीर सिंह बादल मजीठिया सिद्धू सारे रुड़ गए कमाल की गल हुई है ये परमात्मा की सब तो वड्डी कृपा हुई है कि एडे वे गंद जोड़े है इस स्टेट के सिर तो उतर रहे हैं तो एक नवी सवेर चढ़ेगी लोग नवे उठणगे पंजाब दे विच नवे यंगस्टर जोड़े है साढ़े उन्होंने मतलब जगाने की लड़ है पहले गल तो आम आदमी पार्टी वर्क करे साढ़े नौजवानों से नहीं करूगी तो असं बैठे कोई गल नहीं मैं कहना हूं कि असी लोगों ने अपनी जिंदगी का सुनहरा टाइम देख लिया तो असं लोगों मैं हूँ मैंने भी कोई उम्मीद नहीं कि रिजल्ट आवे तो असं परपज यही सी कि असं उन्होंने लोगों को जगाइए पुराणियों को नवे बचाइए तो हूँ पहला उम्मीद रखते हैं कि आप पार्टी ये काम करे असं भी इन्हों की मदद करा तो नहीं तो असं तो बैठे ही वॉच डॉग्स तो अपना काम करते रहेंगे तो इस करके फिर हर बार यही कहूँगा कि परमात्मा पंजाब से मेहर प्रयात करे इन्हों समत बख्शे बड़ी वीड्डी पावर लेके आए हैं चंगा यूज कर ताकि पंजाबियों आने वाले समय में अपने पैरों से खड़े होने का मौका मिले भविख के बलविंदर सिंह सिखों की आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी ने जुड़ सकते तो मैंने पहला किसी चीज मैं आम आदमी पार्टी जुड़ना होंगे तो पहला मैंने की दिक्कत सी ठीक मैं कोई निरपक्ष रह के अलग वक् रह के चंगे काम की बिल्कुल देखो जी मेरे को बहुत ऑप्शन है ठीक है इन्होंने मैं डिसमिस किया हो मेरी नौकरी की ऑप्शन बाकी हैगी है जे आम आदमी पार्टी वाले ने कल कुछ गंदे चेहरे के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी तो इस महकमे में एक भी अफसर मैं अब दिखाई नहीं दिता जिहड़ा DGP लग के या SSP लग के या DIG IG लग के किसी का कुछ कर सकता हो तो सारे जुतियों च पानी पीने वाले बंदे हुण तक का जो रुझान पिछड़ा रहा है गुलाम रहे हैं तो जे इन्होंने गुलामी करा के पुठे काम कराने हैं तो फिर कोई गल नहीं जो सीधे काम कराने तो फिर इतने बंदे बहुत थोड़े है जी मतलब अजे खुशकिस्मती नाम 1.5 साल का टाइम बलविंदर सिंह सेखों को भी बचता है तो देखते हैं कि पास सू यूज़ करना चाहते जे चंगा काम करने वास्ते कहे जस्टिस की गल करे पंजाब के भरे की गल करे तो असं अपनी बचती नौकरी भी देने वास्ते तैयार हैं तो नहीं तो बाकी तो खुल के तो मैं सामने खड़ा ही हाँ पहला भी खड़े से हूँ भी खड़ा जिहड़ा भी पंजाब के हक में गल नहीं करूगा पंजाब के उल्ट गल करूगा साढ़े बच्चों वास्ते भला नहीं सोचूगा असं विरोधता खड़ा बेशक वह नौकरी में खड़ना पवे बेशक कुछ पोलिटिकल सिस्टम जाके खड़ना पवे जिस जड़े रूप में भी खड़ना पवे जी सिख साहब तुसी स्टूडियो आए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद सत श्री अकाल जी।